अमर होना, ये हमारी दुनिया का सबसे अनसुलझा और रहस्यमय टॉपिक है। जब भी अमर होने की बात आती है तो सबसे पहले जो घटना हमारे मन में आती है वह है समुद्र मंथन। क्योंकि जब समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से एक कलश निकला था जिसमें अमृत भरा था और उस अमृत का बंटवारा देवताओं में हुआ और वे अमर हो गए। मतलब क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकलता है, तो यह आज क्यों नहीं निकल सकता? आज के समय में 100 साल के जीवन में अनेकों रोग, कष्ट, संताप और झंझट है, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा, पर वहां पर क्या करेगा? बोर हो जाएगा तो फिर संसार में आकर बस जाएगा और यही सिलसिला चलता रहेगा अगर वह अमर हुआ तो। हमारे महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है जिन्हें कहा जाता है कि वह अमर हैं। अमर का मतलब होता है जो कभी नहीं मर सकते। यह 7 चिरंजीवी राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य हैं। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि ऋषि मार्कंडेय भी अमर हैं। हमारे वैज्ञानिक भी अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयां और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। हालांकि अब इनमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में पाया गया कि उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई जाती है जिसे जिंगसिंग कहते हैं। चीन के लोग इसका इस्तेमाल करके ज़्यादा देर तक युवा बने रहते हैं। महाभारत के जो 7 व्यक्ति अमर हैं, माना जाता है कि ये 7 व्यक्ति पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं। लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र फ्रिज कर बढ़ाते रहते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फलाना फलाना दैत्य साधु ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया, बाद में उसे मानने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र को जाप करने से अमरता पाई जाती है। लेकिन इस चैनल पर मैं साइंटिफिक वे में बताऊंगा, तो अगर मैं साइंस की बात करूं तो साइंस की दुनिया में महामृत्युंजय मंत्र और हिंदू धर्म की कथाओं को विश्वास करना थोड़ा कठिन है। लेकिन विज्ञान और धर्म के नज़रिए से अगर अमर होने का रास्ता ढूंढें तो दोनों ही अपनी अपनी ओर से खोज जारी करने के लिए लगे हुए हैं। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, मतलब व्यक्ति कभी नहीं मरे। इस दिशा में विज्ञान की भी खोज लगातार जारी है। आपने सावित्री सत्यवान की कथा तो सुनी होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ था। इसके बाद भी यह पता नहीं चला कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई ऐसी प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन यह प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से पता चल जाएगी, हम अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। आपने अमरवेल का नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह बन जाए, काया पलट करता रहा और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश नामक मछली पाई जाती है। यह तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दें या फिर कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले, फिर तो उसे मरना ही है। इस कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश की अमरता के रहस्य को सुलझा लें तो मानव भी अमर हो सकता है।
जनरल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्योर ऑफ एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया कि आने वाले दशकों में इंसान का जीवन काल बढ़ा पाना लगभग संभव हो पाएगा। अखबार डेली टेलीग्राफ के अनुसार एज रिसर्च पर बक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जूडिथ कैंपस ने बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूद नतीजों से इसमें कोई शक नहीं कि जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। पहले भी कई स्टडी में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। जनरल सेल की जुलाई के अंक में प्रकाशित एक रिसर्च में कहा गया कि बढ़ती उम्र का प्रभाव जेनेटिक प्लान का हिस्सा हो सकता है, शारीरिक गतिविधियों का नतीजा नहीं, और खोज और रिसर्च अभी जारी है। तो मैं आकाश आर्यन आशा करता हूँ कि हमारे वैज्ञानिक अमर होने का रहस्य सुलझा लें और आने वाले समय में हम इंसान भी अमर हो सकें। अगले वीडियो में हम जानेंगे गायब होने का रहस्य। तो आपको यह रहस्यमय वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मैं ऐसे ही रहस्यमय वीडियो बनाता रहता हूँ। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।